खुद सुपुरदगी का यह आलम होवे कि अपनी जात तो इनकार किया जाए और महबूब की जात को मन लिया जाए तो फिर बंदा जोगी हो जाता है, विसर जाता है, सारी दुनिया को भूल जाता है और पिछे जे अगर कुछ बचता है तो वह इको नाम बचता है तो वह है जोगी का नाम। जोगी फिरका हिंदुओं का एक बहुत ही नामवर फिरका है और जोगियों का सब तो वड्डा जिहड़ा मरकज है पंजाब के अंदर बल्कि हिंदुस्तान के अंदर वो मरकज़ है ज़िला जेलम के अंदर जिन्हों टिल्ला जोगिया कहा जाता है। ये वो टिल्ला है जिन्हों सिख इतिहास के अंदर टिल्ला जोगिया, टिल्ला बाल गुदाइया, फिर टिल्ला कनपटे जोगिया कहा जाता है। साहब श्री गुरु नानक देव जी भाई मरदाना जी के नाल इत्थे आए और उन्होंने आके इस टिब्बे के उत्ते चरण पाने तो बाद इन्हां जोगियों नूं एक ओंकार का दर्श दिता कि यह सृष्टि सारी एक ही परमात्मा की बनाई हुई है। इत्थे ही महाराजा रणजीत सिंह ने पानी की घाट करके वेखदिया होया इस तालाब की रचना की और यह तालाब भी बनिया। यह स्थान है जिथे अकबर भी आया, जहंगीर ने भी इतने फेरा पाया कश्मीर तो मुड़ते हुए। साहब श्री गुरु नानक देव जी ने भी चरण पा के इस स्थान को पवित्र किया। रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आपे रांझा होई, सदो नहीं मैं धीदो राजा हीर ना आखो कोई। जदों हीर खेड़े व्याह के लै गए तो हुण रांझे वास्ते कोई होर रस्ता नहीं सी अपने महबूब नूं पा सकता, सो रांझे ने फैसला किया कि मैनू टिल्ला जोगिया जाके कन्न पड़वाने चाहिए ने। सो बालनाथ के कोल आया, बालनाथ के कोलों उन्हें जोग लई और जोग लैके अपने महबूब की तलाश च निकल पिया। ये अस्थान जिहड़ा टिल्ला जोगिया है 1947 तक बहुत आबाद सी, इत्थे मंदिर सन, जोगिया दियां समाधां सन, सदियों तो चलता आ रहा एक सिलसिला सी जिहड़ा अचानक एक दिन चुप हो गया और अज असी उस ही चुप दे विच खलोते उन्हां जोगियां का जिक्र कर रहे। नी मैं जाना जोगी दे नाल कन्नी मुंदरा पा के मत्थे तिलक सजा के, नी मैं जाना जोगी दे नाल, नी मैं जाना जोगी दे नाल।